हेलो मेरे पीडियो पास पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स एरियस के बारे में तो देख लिया अगर नहीं देखा हो तो आप इधर आई बटन में चेक कर सकते हो और अब आ गया जिसका इंतजार था जो कि है ऑब्जेक्ट्स के बारे में सो एड की वैल्यू पेयर्स टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट अब कैसे हम की वैल्यू पेयर एड कर सकते किसी भी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में

दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हो कि कुछ डेटा होता है जैसे कि वैल्यूज जिसे हम वैल्यूज भी बोलते हैं मैप टू यूनिक आइडेंटिफायर जो कि मैप किसी के साथ होते हैं किसी यूनिक आइडेंटिफायर के साथ मतलब ये वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही मिलेगी जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं सो तो ये वैल्यू एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को असाइन होगी जैसे हाउ हॉरेंग है या प्लेयर को असाइन है और इसको हम कीज भी बोल सकते हैं इसीलिए की वैल्यू बोल दिया हमने या फिर प्रॉपर्टीज और डेटा भी बोल सकते हैं आप अब एग्जाम्पल में आ गया ऑब्जेक्ट क्या है टेकन करेक्टर जिसमें तीन तीन प्रॉपर्टीज है पहला प्लेयर का नेम दूसरा आ गया फाइटिंग स्टाइल टाइकवांडो और तीसरा गया ह्यूमन प्रॉपर्टी जिसमें ट्रू कर दिया है ठीक है तो यहाँ पे इसमें बोलियन इंटीजियर स्ट्रिंग कुछ भी वैल्यूज हो सकती है अगेन अब कोड डिफाइंस इसमें वही चीज बता गया है कि तीन प्रॉपर्टी है बट क्या हो अगर हम कोई ऐड करना चाहे तो हम सिंपली ऐड कैसे कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट का नेम लगना है फिर डॉट यूज कर देना है और जो भी प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हो उसको आप उसका आप नाम लिख दो इक्वल टू और जो वैल्यू एड करना चाहते हो उसको साउथ कोरिया से कहां पे ऑरिजिन हुआ है वो आप लिख सकते हो ठीक है सो दिस so जो डॉट होना है डॉट को यूज किया और उसके बाद प्रॉपर्टी का नेम लिखा इसको हम डॉट नोटेशन बोलते हैं इफ यू वर टू ऑब्जर्व टेकअन ऑब्जेक्ट इट और अगर हम इसको प्रिंट

अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट नोटेशन का यूज क्यों किया क्योंकि ब्रैकेट नोटेशन रिक्वायर्ड इफ प्रॉपर्टी हैज अ स्पेस क्योंकि हमारे प्रॉपर्टी के बीच में स्पेस है दैट इज वाई वी आर यूजिंग ब्रैकेट नोटेशन और स्केर ब्रैकेट यू कैन से और इफ यू वॉन्ट टू यूज अ या फिर अगर आप किसी वेरिएबल को यूज करना चाहो तब भी हम एक uh, द, हम किसका इस्तेमाल करते हैं ब्रैकेट नोटेशन का ठीक है वेरिएबल का इन द अबव केस द प्रॉपर्टी इज एनक्लोज इन क्यूर्ट ओके ठीक है अब यहाँ पे विदाउट इट विल इवेलुएटेड एज अ वेरिएबल बिना कोट्स के वो एक वेरिएबल की तरह होगा उसके लिए हम नीचे एग्जांपल दे सकते हैं जैसे कि पे एक एग्जांपल किया किया है Const, I, I किया है आई आई वेरिएबल जिसमें हमने उसकी वैल्यू का डाल दी आई कलर अब जब हम यहाँ पे इस हिसाब से लिख रहे हैं टेकन करेक्टर ब्रैकेट नोटेशन में आईस और इक्वल ब्राउन और आइस में हमने वो नहीं डाला है मतलब सिंगल कोड्स सो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी यहाँ पे ये वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको यहाँ पे डाल दो सो so ओवरऑल हम यही यूज कर रहे हैं बट यहाँ पे वेरिएबल वेरिएबल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे चाहे तो बाद में चेंज भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी नेम तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम चेंज हो जाएगी ठीक है so, सो इस हिसाब से हमने ऐड कर लिया और जब तीनों चीजें ऐड कर चुके जैसे कि पहले हमने ओरिजिन डाल दिया फिर ये डाल दिया और फिर लास्ट में वेरिएबल का यूज करके आ, 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 आई कलर भी डाल दिया तो लास्ट में आप देखोगे प्रिंट आउट करेंगे तो यहां पे ओरिजिन हेयर कलर आई कलर सब कुछ आ चुका है ठीक है अ फूड ऑब्जेक्ट हैज़ क्रिएटेड अब यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए हमने फूड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसमें एप्पल ऑरेंजेस प्लम है अब हमें और भी ऐड करना है कैसे कर सकते हैं हमने सीख लिया अभी सो so, हमें क्या करना है बनाना ऐड करना है थर्टीन ग्रेप्स ऐड करनी है थर्टी फाइव स्ट्रॉबेरीज ऐड करनी है ट्वेंटी सेवन ओके सो अब यहाँ पे जैसे कि कर सकते हो कैसे करेंगे पहले तो हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं डॉट फिर डॉट नोटेशन नौट का यूज़ किया क्योंकि स्पेस है नहीं प्रॉपर्टीज के बीच में तो क्यों यूज़ करना है फालतू में दूसरी चीज़ें बी ए एन ए एन ए एस उसमें लाइक थोड़ा एफर्ट भी ज़्यादा लगेगा बनानास की वैल्यू डाल दी हमने थर्टीन बनानास ओके एंड फिर डाल दिया हमें ग्रेप्स फूड्स डॉट जी आर ए पी ई एस इसकी वैल्यू आ गई थर्टी फाइव और फूड्स डॉट स्ट्रॉबेरीज आ गया ट्वेंटी सेवन ठीक है सो ट्वेंटी सेवन आ चुका है हमारा टेस्ट देख सकते हो यहाँ पे ये यह सभी ऐड हो गए यहाँ पे कॉन्सू डॉट लॉग ऑलरेडी ये लोग कर चुके हैं सो थर्टीन थर्टी और ट्वेंटी सेवन लेट्स चेक इट आउट टेस्ट पास हो चुका है मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इधर शो हो जाएगी डाउट होते कमेंट करके पूछ सकते हो प्लेलिस्ट के लिए आप इधर देख लेना और वीडियो को लाइक करना अगर समझ आ गया ठीक है बाय